राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव हारने के साथ ही सदन में एक बार फिर यूपीए को हार का मुंह देखना पड़ा। एनडीए प्रत्याशी हरिवंश नारायण सिंह को जहां 125 तो यूपीए प्रत्याशी बीके हरिप्रसाद को महज 105 वोट ही मिले। लोकसभा चुनाव को एक साल से भी कम समय रह जाने के चलते ये चुनाव एनडीए और यूपीए दोनों के लिए बहुत अहम था। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने जनता दल यूनाइटेड के सांसद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हरिवंश नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। वहीं विपक्षी दलों ने उम्मीदवार के तौर पर कर्नाटक से राज्यसभा सांसद बीके हरिप्रसाद का नाम आगे किया था। एनडीए प्रत्याशी हरिवंश नारायण सिंह की जीत के साथ ही राज्यसभा उपसभापति की कुर्सी पर काबिज रहने का कांग्रेस का 41 साल पुराना रिकॉर्ड भी धराशायी हो गया। हर बात पर गौर करें तो ऐसा तीसरी बार हुआ है कि किसी गैर कांग्रेसी के हाथों में राज्यसभा के उपसभापति की कमान पहुंची हो। वहीं बीते 41 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी गैर कांग्रेसी के हाथों में ये पद गया। 30 मार्च 1977 से लेकर 1 जुलाई 2018 तक लगातार 41 सालों तक इस पद पर कांग्रेस के ही प्रत्याशी काबिज रहे। हरिवंश नारायण सिंह की जीत के साथ ही इस कुर्सी पर कांग्रेस के 41 साल पुराने अधिपत्य का अंत हो गया, जो कांग्रेस के लिए किसी बड़े सियासी झटके से कम नहीं है, क्योंकि मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद पूरी विपक्ष के लिए ये सबसे बड़ा मौका था कि एकजुट होकर सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनौती खड़ी कर सके। लेकिन यहाँ भी बीजेपी की रणनीति के आगे कांग्रेस की रणनीति धराशायी हो गई और कांग्रेस के मत थे एक और हार चढ़ गई।